द एप्पल ऑफ चाइना। नहीं समझे? अरे भाई Xiaomi कुछ साल पहले इसी नाम से ही तो फेमस था। इस ब्रांड ने अपने टाइम पर एप्पल, सैमसंग और माइक्रोसॉफ्ट जैसे ब्रांड्स की तो बैंड ही बजा दी थी। लॉन्च होते ही Xiaomi के फोन्स एक मिनट में ही खत्म हो जाते थे। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि आज ये ब्रांड अपने डाउनफॉल की तरफ क्यों जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम Xiaomi के राइज एंड फॉल की पूरी स्टोरी जानने वाले हैं। तो दोस्तों 2014 से पहले तक Xiaomi चाइनीज मार्केट में तो बेहद पॉपुलर था, लेकिन इंडिया में इसने अभी तक एंट्री नहीं ली थी। यहाँ पे इस ब्रांड के बूम करने का सफर तब शुरू हुआ जब ऑनलाइन फैशन रिटेलर Jabong के को फाउंडर मनु कुमार जैन फंडिंग के लिए 2013 में चाइना गए। वहाँ बीजिंग में चल रहे एक कॉन्फ्रेंस में मनु की मुलाकात Xiaomi के फाउंडर ली जून से हुई और उन्हें ली के आइडियाज, बिजनेस मॉडल और अफोर्डेबल प्राइस पर हाई क्वालिटी स्मार्टफोन्स बहुत पसंद आए। मनु को लगा कि इंडिया को भी इस तरह के बेहतरीन और अफोर्डेबल फोन्स की जरूरत है, इसीलिए वो कॉन्फ्रेंस के बाद ली जून से मिले और ऑफर दिया कि वो Xiaomi के साथ काम करके उसके ऑपरेशंस को इंडिया में भी एक्सपेंड करना चाहते हैं। इस तरह से कई महीनों की प्लानिंग और डिस्कशन के बाद मनु ने Jabong को छोड़ दिया और इंडिया में Xiaomi के पहले एम्प्लॉय बने, जिनका मेन पर्पस एक ऐसी टीम बनाना था जो इंडिया में सेल्स, मार्केटिंग और आफ्टर सेल सर्विस को मैनेज कर सके। ऐसे ही काफी एफर्ट के बाद जुलाई 2014 को Xiaomi ने अपना पहला स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में उतारा, जिसका नाम था Xiaomi Mi 3। इस फोन में Xiaomi काफी अच्छे फीचर्स ऑफर कर रहा था जो कि उस समय के दूसरे ब्रांड्स में अवेलेबल नहीं थे, जैसे 5 इंच फुल HD डिस्प्ले, पावरफुल स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर, 2GB रैम और 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा, जो 2014 में टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स माने जाते थे। अपने हार्डवेयर स्पेक्स के अलावा Xiaomi Mi 3 MIUI ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता था जो हाईली कस्टमाइजेबल और यूजर फ्रेंडली था। इस OS ने Mi 3 को मार्केट में अवेलेबल बाकी के एंड्रॉइड स्मार्टफोन से डिफरेंशिएट करने में काफी मदद की। यही वजह थी कि Xiaomi Mi 3 लॉन्च होने से पहले ही लोगों के बीच खूब पॉपुलर हो गया था और सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही ये फोन सोल्ड आउट हो गया। लेकिन सिर्फ अफोर्डेबल प्राइस और हाई एंड स्पेसिफिकेशंस ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिसने इस ब्रांड को इंस्टेंट पॉपुलर बनाया, बल्कि Xiaomi की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बाकी ब्रांड से काफी अलग थी। अब आज से 10 साल पहले आपको याद होगा कि हम लोकल स्टोर से जाकर फोन खरीदा करते थे, लेकिन आज के टाइम पर आप में से मैक्सिमम लोग अपना फोन ऑनलाइन ही ऑर्डर करते होंगे। अब ये बदलाव सडनली नहीं आया, बल्कि इसकी शुरुआत काफी साल पहले हो चुकी थी और इस बदलाव को सबसे पहले Xiaomi ने ही नोटिस किया था। इसीलिए लोकल ऑफलाइन स्टोर पर अपने फोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फोन्स को लॉन्च करना बेटर समझा और इसके लिए उसने फ्लिपकार्ट से पार्टनरशिप कर ली। इस पार्टनरशिप का कंपनी को भरपूर फायदा मिला क्योंकि फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़े कस्टमर बेस के साथ इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस था। इसीलिए यहां पर फोन लॉन्च करके Xiaomi काफी आसानी से बहुत बड़ी संख्या में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में सफल हो गया। अपने पहले स्मार्टफोन की सक्सेस के बाद Xiaomi ने 2014 में ही Redmi 1S लॉन्च किया, जो कि Qualcomm Snapdragon 400 प्रोसेसर, 1GB रैम और 8GB इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करता था और इसका प्राइस रखा गया था सिर्फ 5,999 रुपए। सेम ईयर ही Xiaomi ने अपना एक और अफोर्डेबल स्मार्टफोन Redmi Note मार्केट में उतारा और इसका प्राइस रखा गया था सिर्फ 8,999 रुपए। इन सभी अच्छे स्मार्टफोन्स ने Xiaomi की स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज डेवलप कर दी और लोगों के बीच इसकी डिमांड खूब बढ़ने लगी। ये ऐसा दौर था जब हर किसी की जुबान पर सिर्फ Xiaomi Mi या Redmi का नाम होता था। Xiaomi ने इसके बाद भी कई सारे कमाल के फोन्स लॉन्च किए जो कि लोगों के बीच बेहद पॉपुलर रहे और इसने हर घर में अपनी पहचान बना ली। ये अपने स्मार्टफोन्स का लुक बिल्कुल आईफोन के जैसा बनाते थे, इसीलिए यह फोन उन लोगों के लिए एक बेहतरीन अल्टरनेटिव था जो एप्पल के महंगे फोन को तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे लेकिन उसके जैसा लुक जरूर चाहते थे। लोगों के बीच Redmi Note सीरीज को लेकर भी खूब क्रेज देखने को मिला और इस सीरीज के फोन का लोग महीनों पहले से इंतजार करते थे। इसी क्रेज और डिमांड की वजह से Xiaomi 2017 के एंड तक बाकी के सारे पुराने प्लेयर्स को पीछे करते हुए इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में नंबर 1 पर आ गया। अब इसके नंबर 1 पर आने के पीछे 3 मेन रीजंस थे। पहला ये कि लोग उस टाइम पर कीपैड वाले फोन्स यूज करते थे जिसकी बैटरी काफी लॉन्ग लास्टिंग होती थी, लेकिन जब वो शुरुआती स्मार्टफोन पर शिफ्ट हुए तो इसकी बैटरी बहुत ही जल्दी लो हो जाती थी और इसी प्रॉब्लम की वजह से काफी लोग स्मार्टफोन के साथ साथ एक कीपैड वाला फोन भी रखते थे। लेकिन Xiaomi इंडिया में पहला ऐसा ब्रांड था जिसने इस प्रॉब्लम को समझा और 4000mAh तक की कैपेसिटी वाली बड़ी बैटरी के साथ स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया। Xiaomi के सक्सेस का सेकेंड रीजन था कि उस समय सैमसंग और एप्पल मार्केट के प्रीमियम सेगमेंट पर तो
चार्ज कर रहे थे, लेकिन उनका प्राइस इतना ज्यादा था कि मैक्सिमम लोग उनके फोन्स को अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। मीडिया लो रेंज की कैटेगरी में सिर्फ माइक्रोमैक्स, कार्बन या लावा जैसे ब्रांड्स मौजूद थे, लेकिन इन फोन से मिलने वाले खराब यूजर एक्सपीरियंस की वजह से कस्टमर इन सभी ब्रांड से तंग आ चुके थे। इसीलिए जब Xiaomi ने अपना स्मार्टफोन मार्केट में उतारना शुरू किया तो इसने इन सभी कमियों को खत्म कर दिया और सिर्फ 2 साल में ही इसने इतना तेजी से ग्रो किया कि बाकी सभी ब्रांड इससे काफी पीछे रह गए। 2017 में Xiaomi एक ऐसा ब्रांड था जिसने इंडिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचे थे। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि Xiaomi टीवी एड या फिर होर्डिंग्स पर बिना एक पैसे खर्च किए भी इंडिया में सबसे बड़ा ब्रांड बन गया था। साल 2020 में Xiaomi 28% मार्केट शेयर के साथ टॉप पर था, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी बादशाहत खोने लगा और 2022 में इसका मार्केट शेयर ड्रॉप होकर 16% पर आ गया। जबकि इसी सेम पीरियड में Vivo और Samsung के मार्केट शेयर में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला था। तो आखिर क्या रीजन है कि Xiaomi धीरे धीरे अपने कस्टमर्स को खोता जा रहा है, और जिस ब्रांड के लिए पहले लोगों के बीच इतना क्रेज हुआ करता था वो अब इसे छोड़कर क्यों जाने लगे हैं? आइए इसको समझते हैं। डाउनफॉल इन लो प्राइस सेगमेंट। तो दोस्तों, जब Xiaomi इंडियन मार्केट में एंटर हुआ था उस समय बहुत बड़ी संख्या में न्यू स्मार्टफोन यूजर्स बने थे, लेकिन ये आदमी का स्वभाव है कि अगर वो उस टाइम 15,000 का फोन यूज कर रहे थे तो अगली बार 20,000 या 25,000 का फोन तो जरूर ट्राई करना चाहेंगे, क्योंकि हमें और भी ज्यादा बेटर फीचर्स का एक्सपीरियंस तो करना ही होता है। यही वजह है कि फिलहाल इंडिया में स्मार्टफोन के प्रीमियम सेगमेंट की तरफ यूजर्स काफी तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन Xiaomi के 70-80% स्मार्टफोन 15,000 के अंदर हैं और इस प्राइस सेगमेंट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है, जिसका असर Xiaomi के मार्केट शेयर पर भी देखने को मिल रहा है। अब यही सब देखते हुए Xiaomi ने भी प्रीमियम सेगमेंट में अपने फोन्स लॉन्च किए, लेकिन उसमें अभी कुछ खास कामयाबी नहीं मिल पाई है, क्योंकि Xiaomi की ब्रांड इमेज एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन वाली हो गई है, जिस वजह से लोग इसे प्रीमियम सेगमेंट में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। MIUI OS, Ads and Bugs। एक टाइम पर जो चीज Xiaomi को बाकी ब्रांड से अलग बनाती थी वो थी उसके शानदार MIUI OS, जो बहुत ही ज्यादा स्मूथ थी। टाइम पर अपडेट्स भी आते थे और ओवरऑल लोगों का यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। हालांकि शुरुआत में इसके अंदर बोटवेयर और एड्स जैसे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन इन्हें काफी हद तक सॉल्व कर दिया गया। मगर अभी पिछले कुछ सालों से ये प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ इसमें काफी सारे बोटवेयर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूजर्स बग्स की प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। अब अगर आप बोटवेयर नहीं समझे तो इसका मतलब होता है प्री इंस्टॉल्ड ऐप, जो आपके बैटरी, पावर और स्टोरेज को खाते हैं, और इन्हें चाह कर भी आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। अब अगर आप Xiaomi का कोई सस्ता फोन लेते हैं तो उसके अंदर MIUI में कई तरह की प्रॉब्लम्स और बोटवेयर होते हैं, यहाँ तक कि Xiaomi के प्रीमियम फोन्स भी इससे पूरी तरह से बच नहीं पाए हैं। ऐसे में प्रीमियम प्राइस पे करने पर भी जब उस लेवल की फील न मिले तो यूजर्स बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि Xiaomi प्रीमियम सेगमेंट में लॉयल कस्टमर नहीं बना पा रहा है। मदरबोर्ड एंड कैमरा इश्यूज। पिछले कुछ सालों में Xiaomi के फोन्स में GPS इश्यूज, ओवरहीटिंग, पुअर बैटरी लाइफ, लैगी परफॉर्मेंस और नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज देखने को मिले हैं। Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max के कस्टमर्स ने MIUI 13 अपडेट के बाद कैमरा क्रैशिंग जैसे इश्यू रिपोर्ट किए थे। जब वो फोन के रियर कैमरा को ओपन करते थे तो उन्हें सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन नजर आती थी। इसके अलावा Xiaomi के पोको फोन्स में भी बैटरी बहुत तेजी से खत्म होने, फॉल्टी अपडेट्स और खराब मदरबोर्ड जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, जिसके चलते कस्टमर्स इस ब्रांड से दूर होते जा रहे हैं। नो हीरो प्रोडक्ट। Redmi Note सीरीज हमेशा से ही Xiaomi का हीरो प्रोडक्ट था। ऐसे में अगर इस ब्रांड का कोई और फोन ज्यादा पॉपुलर ना भी हुआ हो तो कंपनी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि Redmi Note 3, 4, 5, 6 या फिर और भी इस सीरीज के कई सारे फोन्स इतने पॉपुलर थे कि वो हमेशा से ही डिमांड में रहते थे, जिससे कंपनी की कमाई तो होती ही रहती थी, साथ ही ब्रांड इमेज भी बनी रहती थी। लेकिन अब इस नोट सीरीज का क्रेज भी काफी हद तक कम हो गया है, और इसकी वजह है इस सीरीज के फोन्स में आने वाली प्रॉब्लम। साथ ही उसी प्राइस रेंज में अब OnePlus, Vivo या Samsung के फोन्स भी अवेलेबल हैं, जो बेहतर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले साल Xiaomi के सेल्स काफी डाउन हुई और OnePlus का Nord CE2 स्मार्टफोन मोस्ट सेलिंग बन गया। Key people's left the company। दोस्तों, जुलाई 2021 में Xiaomi को इंडिया में एस्टेब्लिश करने वाले मनु कुमार जैन चुपचाप बेंगलुरु से दुबई मूव कर गए, जिसके बाद इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से डायरेक्टर बना दिया गया, मगर बाद में इन्होंने डायरेक्टर के पद से भी इस्तीफा दे दिया। अब इनका कंपनी छोड़कर जाना भी Xiaomi के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि ये शुरुआत से ही हर ऑपरेशंस को काफी अच्छे से समझते थे, साथ ही इंडियन कस्टमर्स के बिहेवियर से भी वे काफी अवेयर थे। इंडिया में मनु Xiaomi का एक फेस बन गए थे, जिस वजह से उनके जाने पर कस्टमर्स काफी डिसअपॉइंट हुए। वास्ट प्रोडक्ट लाइन।
दोस्तों Xiaomi के डाउनफॉल का एक और रीजन था इसका वास्ट प्रोडक्ट लाइनअप जो लोगों को कंफ्यूज करने लगा था। Xiaomi लगभग सेम प्राइस रेंज में बहुत सारे फोन्स लॉन्च कर रहा था जिसकी वजह से लोग Xiaomi के फोन्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम फेस करने लगे और कोई भी स्मार्टफोन एक यूनिक आइडेंटिटी डेवलप नहीं कर पाया। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट का ये किंग आज बहुत तेजी से अपने डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा है। अब Xiaomi मार्केट में फिर से वापसी कर पाएगा या नहीं ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।